ऑरेंज रॉक की टीम शायद यहाँ पर बैक ऑफ नहीं करना चाहेंगे बिकॉज एवरेस्ट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोशिश तो है यहाँ पर, लेकिन 8-bit के पास एक बढ़िया हाइट एडवांटेज ऑरेंज रॉक अगर वीरू का इसी बीच यहाँ पर मुझे हलचल नजर आ रही है। वीरू यहाँ पर निकाल देंगे नॉकआउट, लेकिन ब्लाइंड यहाँ पर नॉट ओनली विद सोल, यहाँ पर एक्सो के अगेंस्ट भी फाइट लेते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। तो दिलचस्प होगी ये फाइट कि ब्लाइंड के साथ साथ टीम सोल बची हुई है। टीम सोल के लिए आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, चारों मैचेस उनको बहुत ज्यादा अच्छा निकालना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। रॉक्स यहाँ पर आ गया था, 7C के प्रिंस को कंफर्म करेंगे। बट इसी बीच अगर आप बात करते हैं और ओरांगुटान के एश ओवेस को नॉकआउट करते हैं, ब्लाइंड की टीम को रोटेशन लेना पड़ेगा। उनके पास एक मैक्लारेन अवेलेबल है, ओजी ड्रिगर फ्रैंकी को नॉकआउट करते हैं, मतलब टीम फॉरएवर के लिए दिक्कत है। बढ़ती हुई प्लेयर 6 यहाँ पर ओजी एश को नॉकआउट करेंगे। ट्रेड आएगा ड्रिगर की तरफ से, मतलब एस्टेक की टीम जो एक एंगल में फाइट ले रही है उसके बिल्कुल अदर साइड में आपको यहाँ पर फॉरएवर के साथ साथ ओरांगुटान का फाइट नजर आएगा। एस्टेक ट्राइंग टू क्लोज इन बट 8-bit कंट्रोल नहीं छोड़ रहे। बिलीव को भी नॉकआउट किया गया, आई बिलीव दैट्स इट, इट इज गोइंग टू मे बी ओके ओके। एक कंफर्मेशन आया सिर्फ, यहाँ पर कंप्लीट टीम शायद एलिमिनेट नहीं हो जाए। जी नहीं, यहाँ पर ओरांगुटान की टीम जो है कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए नजर आएगी। चारों के चारों खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं। बिलीव को रिवाइव दिया जा सकता है, बट क्या रिवाइव मिलेगा? क्लच गॉड के द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा जलेबी रोटेशन हमें वापस देखने का मौका मिला था, जो कि टीम सोल पहले दिन दिखाए थे, यू नो सैनो के ऊपर बैठा। टॉकिंग अबाउट 8-bit, 8-bit यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। 8-bit की टीम यहाँ पर कंट्रोल में है। क्लच गॉड जो है कंफर्म हो चुके हैं। गॉड लाइक की तरफ से जॉनसन जी गॉड नियो अभी डाउनहिल होल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल ईस्टर्न सेक्टर इनके कंट्रोल में रहेगा, बट कितनी देर तक? बिकॉज उनको ऊपर जाना है। युवा ओपी 100 के इमॉर्टल को नॉकआउट करते हैं। ये टीम सोल वो टीम सोल नहीं है जो हम पिछले 5 दिन देख करके आए हैं। ये घुसेगी भी, ये मारेगी भी, बिल्कुल वही चीज हमें देखने को मिल भी रही है यहाँ पर, क्योंकि अच्छे खासे फिनिशेस के साथ यहाँ पर अपने आपको टॉप 3 पे रखना ही रखना होगा, अदरवाइज मुश्किल यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी। ऐसे की बात की जाए तो मुझे पहले नजर आता कि प्रधान मात्र अकेले खिलाड़ी, बट जी नहीं, उनके सभी टीममेट्स यहाँ पर अलाइव है और लाइव स्टेटस में वो चीज हमें देखने को मिल पा रही है। 8-bit सुनामी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गॉड लाइक के ऊपर हवा बोलने के, बट आगे नहीं जाएंगे। इसी हाइट एडवांटेज के जरिए वो कोशिश करेंगे थ्रोबल्स के जरिए। इतनी सारी टीम से साउथ में सिर्फ 3 टीम नजर आ रही है, वेल जिन्हें नहीं दिख रहा है मैं उनको कहना चाहूंगा कि साउथ में 3 टीम्स मौजूद थी एंड जोन का जो शिफ्ट आया है वो साउथवर्ड्स आया है, कंप्लीट नॉर्दर्न साइड को वेकेट किया जाएगा। एंड कौन सी टीम है अभी जोन के कंट्रोल में? इट्स गोना बी टीम सोल, अकेली एक टीम जो कि जोन के अंदर बनी हुई है। अगर इस मैच में एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देती है सोल, तभी जाके ये चिकन डिनर उनकी नाक के नीचे से छीना जा सकता है, लेकिन टीम सोल के ऊपर यहां पर रश आएगी। बट गॉड लाइक की टीम, उनको भी रोटेशन देना पड़ेगा। सीक और जॉनसन नियो एंड 8-bit की तरफ से एस्टे को काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। नेक्सस लगातार कोशिश कर रहे हैं शॉट्स कनेक्शन दिखाने की, बट वेरी वेरी डॉन्टिंग मूव, वो एवरेस्ट की एक्चुअली चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या वो कैपिटलाइज कर पाएंगे। जी नहीं, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल टीम, जैसे कि मैं बार बार कह रहा था, नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिल, नॉर्दर्न फेस ऑफ द हिल लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइट चल रही है। बट ऑन द अदर हैंड टीम सोल और एक फाइट में यहाँ पर जूझती हुई, एक्सो के इमॉर्टल को भी नॉकआउट किया गया है। जी गॉड के ऊपर जिम्मेदारी आती हुई, आखिरी उम्मीद टीम गॉड लाइक की तरफ से रिवाइवल दिया जा सकता है। रॉनिक यहां पर जोन के बाहर बच चुके हैं और जो की निगाह उनके ऊपर, रॉक्स आगे आते हैं ओरांगुटान की तरफ से एक एओपी को भी नॉकआउट करते हुए। बट एक और चीज यहां पर जोन की भी बाकी है, कर रहे कि नहीं वो एक बार जरूर देखेंगे। अब दो प्लेयर्स कोशिश जरूर कर रहे थे लेकिन अपने आपको टॉप 10 तक लेकर नहीं आ पाए, लेकिन एक्सो खुश रहेगी क्योंकि जिस प्रकार की उनकी मेहनत उन डे 5 तक करी गई है, 5 दिनों में देखी गई है, तो इसकी बदौलत वो टॉप 3 में अपने आपको लेकर आएंगे। कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में अगर आप सफलता नहीं मिल पा रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आपको खुशकिस्मत समझिए क्योंकि अब आपको तैयारी करनी है अपने ग्रैंड फाइनल्स की। बट फिलहाल के लिए नॉकआउट और गॉड लाइक नहीं हो ऑरेंज रॉक के साथ यहाँ पर, और ऑरेंज रॉक नॉट ओनली विद गॉड लाइक, इजी फोर के साथ भी यहाँ पर भिड़त हमें देखने को मिल पा रही है। एब्सोल्युटली, बट गेम जो आप देखिए यहाँ पर अकेला एक कंपाउंड है, सिर्फ एक सोलो कंपाउंड है, एस्टेक के फॉर्मेशन को वही नॉकआउट किया गया है। एंड यहाँ पर सारा का सारा फायदा जो है वो लेके जा सकती है गॉड लाइक की टीम, जो है कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में एस्टेक के साथ एक की बारी में चलते हुए जूसी को फॉलो किया गया, जॉर्डन को किया था नॉकआउट, इसी के साथ साथ ओवर के जेली जो है वो एरन को नॉकआउट करते हैं इजी बॉल की तरफ से, गाड़ी से कुचला जाएगा उनको। एस्टेक की ह्यूमनॉइड नेक्सस को भी नॉकआउट करने वाले हैं एंड धीरे धीरे करके जो अपवर्ड रिज फाइट हो रहा है, जो एवरेस्ट का फाइट हो रहा है, वो किसी के खाते में भी नहीं जाता वो। बट 8-bit जूसी विद अ ब्यूटीफुल क्लच कमिंग इन, लेकिन क्या वो बच पाएंगे? बिकॉज़ गॉड लाइक अभी भी बनी हुई है, स्काईलाइट भी बनी हुई है, गमला बॉय यहां पर दूर से किया जाता है कंफर्म। वीरू के द्वारा ग्रेनेड आता है जो कि ओजी के ड्रैगन को भी नॉकआउट करने वाला है। टीम सोल दे आर इन द टॉप 7, वाइपर यहां पर अपनी बोली बोलते हुए डीपी के साथ साथ ओजी के एक एओपी को भी कर्सन गोस डाउन। रॉक्स यहां पर बिलीव का जो कंफर्मेशन है वो पिकअप करेंगे, वाइपर यहां पर नन अदर देन ओके जी गॉड अभी तक सरवाइव कर रहे इजी फोर, एंड एंटिटी की टीम अभी तक चुपचाप बैठी हुई थी जो कि अभी बोली बोलेंगे वीरू को नॉक एंड
एलिमिनेशन वाइप पर वापस आते हैं और आदित्य को नॉकआउट करते हुए। 10 फिनिश निकाल चुकी है यहां पर टीम सोल और फिलहाल के लिए जेली के ऊपर बनी हुई है। एंड एक बार लाइव स्टेटस जरा आ जाए हमारे सामने तो कुछ पता चल पाएगा कि आप कितनी खिलाड़ी यहां पर कितने टीम से यहां पर बचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम अब जरा अपडेट आपको देना चाहें तो बताना जरूर चाहेंगे कि टीम खिलाड़ी सोल से यहां पर बचे हुए हैं। वीरू को कर दिया गया गेम से बाहर और इन लोगों की तरफ से तीन खिलाड़ी एंटी चार खिलाड़ी और इसी फोर का भी वो खिलाड़ी बचे हुए जरूर। लेकिन वैक्सी का ये स्प्रे ये जिगल स्प्रे रोक नहीं पाएगा वहां पर इजी फोर को टॉप से जाने का टॉप फिर जाके दिक्कत होगा। बट जोन कहां पर जाएगा, जोन का शिफ्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तीन टीम अभी हमारे सामने बनी हुई है, एक्शन नहीं मिलेगा वाइपर को, वो छत के ऊपर चढ़ चुके हैं एंड यही से कंट्रोल दिखाना चाहेंगे। ट्रॉय को स्पॉट करके शॉट ले जाएंगे वाइपर की, लेकिन कलेक्शन फिर भी नहीं मिलेगा। और किसी के पास भी फिनिश जाए ये मैटर नहीं करता बेशक है। ऑरेंज रॉक भी अपने इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर डालती हुई, अब मात्र दो ही टीम बची हुई है एंटिटी युवा के पास यहाँ पर एंगल जरूर रहेगा। डार्क लॉर्ड व्हाइट को भी छोड़ करके चले जाएगा, जोन का जो फायदा है वो एंटिटी के खाते में रहेगा। ओपन ग्राउंड में आगे बढ़ना पड़ेगा, रेंज लाइन के ऊपर खेलना पड़ेगा टीम एंटिटी को। ट्रॉय एंड हेक्टर थे यहाँ पे लास्ट टू प्ले सर्वाइविंग वाइपर अभी के लिए। आई बिलीव दिस इज द बेस्ट मैप दैट टीम सोल हैज प्लेड सो फार। हैशटैग टू वो पहले भी आए हैं बट उतने ज्यादा फिनिशेस के साथ नहीं, ये मैच गवाना नहीं चाहिए। युवा ओपी आप देखिए ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, यहां पर शॉट्स लिए जा रहे हैं, हेक्टर को किया जाएगा नॉकआउट। दिस इज गोइंग टू हैपन हियर, टीम सोल दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ। आखिरी खिलाड़ी ट्रॉय, आखिरी उम्मीद टीम एंटिटी की तरफ से। यहां पर फिलहाल के लिए वाइपर के ऊपर एंगल बन चुका है बट युवा ऑलरेडी फ्लैंक बना चुका है, वाइपर को किया जाएगा नॉकआउट। लेकिन राइट साइड से यहां पर कवर फैलाता है टीम सोल, दे पुल ऑफ अ चिकन डिनर फाइनली आखिरी दिन में।